चार मिनट ताली बजेगी आपकी, मगर मीडिया नहीं दिखाएगा। सबसे पहले अगर नरेंद्र मोदी 22-25 अरबपति बना सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। ये महिलाएं आई हैं आज। अब जो मैं कहने जा रहा हूं पुरुषों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं साफ बोल देता हूं, गुस्सा मत होना मुझसे, गुस्सा नहीं होना है। देखिए 21वीं सदी में आप बाहर जाते 8-10 घंटा काम करते हो, खेतों में काम करते हो, मजदूरी करते हो, छोटा बिजनेस चलाते हो, नौकरी करते हो, मगर हिंदुस्तान में महिलाएं भी ये काम करती हैं, महिलाएं भी मजदूरी करती हैं 8-10 घंटा, महिलाएं भी जॉब करती हैं, महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं। किसी भी सरकार ने उन 8 घंटों के लिए इनको कॉम्पेंसेशन पैसा कभी नहीं दिया। सही बोला मत बोला, सही बोला। तो अगली हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, पहली बार दुनिया में पहली सरकार होगी जो इन महिलाओं को, ये जो घर में काम करती हैं 8 घंटे, जो भविष्य की देखभाल करती हैं, उसके लिए पैसा देने जा रही है। अभी ताली बजाई है, जब मैं बताऊंगा कितना पैसा, फिर देखना ताली कैसे बजती है। तो महिलाओं के लिए 3 काम होंगे। सबसे पहला काम जिसको हम महालक्ष्मी योजना कहते हैं, इसमें हमने लक्ष्मी नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हम सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। कोई भी जात हो, किसान का परिवार हो, मजदूर का हो, छोटे व्यापारी का हो, जो भी है, अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है, करोड़ों परिवार की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। आपका नाम क्या है मैडम? आपका नाम क्या है? गुलाबी साड़ी वाली, हाँ, क्या नाम है? रूपा, रूपा मिश्रा जी। रूपा मिश्रा जी जैसे करोड़ों महिलाओं के नाम लिखे जाएंगे और फिर साल के 1 लाख रुपया हर बैंक अकाउंट में जाएगा। भाइयों बहनों, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 1 लाख रुपया प्रति परिवार के बैंक अकाउंट में, 8,500 रुपया हर महीना कटाकट 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 आप सुबह उठेंगी, 1 तारीख को आप सुबह उठेंगी, कहेंगे चलो देखते बैंक अकाउंट में क्या है। बैंक अकाउंट में देखेंगी, जादू से हिंदुस्तान की सरकार 8,500 रुपए डालेगी। अगले महीने जून में देखेंगी, चलो 1 तारीख को देखते क्या हुआ, 8,500 रुपए कटा जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, दिसंबर, नवंबर, हर महीने 1 तारीख को 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए। आप ताली बजा रहे हो, मीडिया नहीं दिखाएगी। हमने मनरेगा किया, मीडिया का हर पत्रकार कहता है देखो गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अदानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है, गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, 1 लाख रुपए उनको मिलेंगे तो 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे।
आपको देने जा रहे हैं। तो ये हो गया पहला कदम, महालक्ष्मी योजना, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाने वाली योजना। अब जैसे मैंने ये बोल रहा था तो मैं देख रहा हूं यहां पे जो युवा खड़े हैं ये मेरी ओर देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया आपने 1,00,000 रुपए मतलब महिलाओं को पकड़ा दिया, आपने भैया 1,00,000 रुपया महिलाओं को पकड़ा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने हमें भूखा मार दिया, हमसे पकौड़े तलवा दिए, थाली बजवा दी, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी, हमारा क्या होगा? और बिल्कुल सही सवाल है, आपका क्या होगा? क्योंकि पैसा तो आप देते हो, जीएसटी जितनी आप देते हो उतनी अदानी देता है। आप शब्द खरीदते हो जीएसटी देते हो, पेट्रोल भरते हो जीएसटी देते हो, पकौड़े खाते हो जीएसटी देते हो, पैसा आपका सीधा आपके जेब से जाता है, अदानी की जेब में जाता है, अंबानी की जेब में जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना? देखिए ना, सूट में मोदी जी, अदानी जी, अंबानी जी, राम मंदिर में देखी तो है ना? मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। क्यों नहीं? मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं वो उनके हैं। तो युवाओं को बेरोजगार कर दिया, पकौड़े बनवा दिए, और इस मीटिंग में युवा मेरी ओर देख रहे हैं, कह रहे भैया ये 1,00,000 रुपए हमारी बहनों को दे रहा है, माताओं को दे रहा है, हमारा क्या होगा? अब मैं वो आपको बताता हूं क्या होगा। अरबपतियों के बेटे अपनी कंपनी में, अपने पिता के कंपनी में जाकर अप्रेंटिसशिप करते हैं, 6 महीने की नौकरी करते हैं, 1 साल की नौकरी करते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलता है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनको परमानेंट नौकरी मिलती है। तो एक प्रकार से जब अदानी या अंबानी अपने बेटे को जॉब मार्केट में डालना चाहता है तो उसका तरीका अप्रेंटिसशिप होती है। पहली नौकरी होती है, कभी कभी वो 6 महीने की होती है, 1 साल की होती है। ये मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। आप भटकते रहते हो आगे पीछे सड़कों पे। तो अब इंडिया की सरकार दुनिया की पहली सरकार होगी, सुनो, दुनिया की पहली सरकार होगी जो हर ग्रेजुएट को, हर डिप्लोमा होल्डर को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रही है। 8,500 रुपए महीने के, 1,00,000 रुपए साल के, करोड़ों महिलाओं को मिलेंगे और वही काम करोड़ों बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। और हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स, रेडीमेड ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। अब किसान देख रहे हैं मेरी ओर, कह रहे हैं भैया ये क्या कर दिया आपने, 1,00,000 रुपए बच्चों को दे दिया, 1,00,000 रुपए हमारे घर में मतलब महिलाओं को दे दिया, हमारा क्या होगा? आपका कर्जा माफ होगा और आपको गारंटी कानूनी एमएसपी मिलेगी। भाई और बहनों, 30,00,000 सरकारी वैकेंसीज हैं, नरेंद्र मोदी जी प्राइवेटाइज करते जाते हैं, ठेकेदारी प्रथा उन्होंने लागू कर रखी है, आप सबका उन्होंने जो आपका हक बनता है वो छीन लिया है।
कि सेना अग्निवीर नहीं चाहती है, सेना अग्निवीर नहीं चाहती, सैनिक अग्निवीर नहीं चाहते, जनरल अग्निवीर नहीं चाहते, जवान अग्निवीर नहीं चाहते, सिर्फ नरेंद्र मोदी चाहता है। और ठोक दिया ऊपर कि भैया पीएमओ ने निर्णय लिया है दो तरीके के शहीद होंगे, चार साल बाद तीन चौथाई लोगों को भगा दिया जाएगा, एक चौथाई को रखा जाएगा, और अगर वो जो तीन चौथाई है अग्निवीर है अगर उनको गोली लग गई शहीद हो गए तो हो गए, कोई शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी की सोच है, मीडिया वाले कभी नहीं उठाएंगे। ये कोविड में थाली बजाने की बात करेंगे मगर ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये कभी नहीं उठाएंगे। आप जानते हो, कहने की जरूरत भी नहीं। ठेकेदारी प्रथा, अगर आप पिछड़ों को देखो, दलितों को देखो, आदिवासियों को देखो, गरीब जनरल कास्ट को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको ये लोग नहीं दिखेंगे। अदानी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, मुझे एक एक गरीब जनरल कास्ट का दिखा दो, उसको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, मुझे एक नाम दे दो, मान जाऊंगा। है ही नहीं, वही 2-3% लोग हैं। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का 40% धन है, वही लोग हैं 1%, उनके पास सब कुछ। और गरीब लोग क्या कर रहे हैं, मनरेगा कर रहे हैं, मनरेगा का पैसा नहीं दे रहे, ठेकेदारी में मजदूरी करते हैं, जब जी करता है निकाल के फेंक देते हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, चेहरा अच्छा नहीं लगा तो जाओ मर जाओ, ऐसे देश थोड़ी चलेगा। तो मजदूरों के लिए आज आपको 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, सरकार आने के बाद 400 रुपए हो जाएगा। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। और ये जो ठेकेदारी प्रथा है पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, जहां किसी को भी एक दिन में निकाल के बाहर फेंक सकते हो, इसको हम खत्म करने जा रहे हैं। अगर नौकरी मिलेगी सरकार में, पब्लिक सेक्टर में मिलेगी तो इज्जत के साथ मिलेगी, पेंशन के साथ मिलेगी, रिस्पेक्ट के साथ मिलेगी। ये हिंदुस्तान की आत्मा है और बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी इसका गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम कभी नहीं होने देंगे। आप सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा।